चौधरी परवेज इलाही के वजीर अला पंजाब बनने के बाद रेस्क्यू 1122 का दायरा तहसीलों तक जो है वसी करने का फैसला कर लिया गया है। पंजाब की तमाम तहसीलों में रेस्क्यू 1122 के दफातर जो हैं कायम किए जाएंगे। इस सिलसिले में दरीना मुतालबा आ रहा था कि गुजरात का इलाका जलालपुर जट्टा में भी फौरी तौर पर जो है रेस्क्यू 1122 का दफ्तर जो है कायम किया जाए। इसके लिए कई मकाम जो हैं तलाश किए गए और आखिरकार ये फैसला किया गया कि गुजरात के इलाका जलालपुर जट्टा चौधरी जहूर इलाही पार्क इसके बिल्कुल सामने यहाँ पर आप ये पार्क के अंदर ही एक खास जगह जो है पार्क का तकरीबन आधा हिस्सा इसके लिए मुख्तस किया गया और अब ये तामीर आप देख सकते हैं कि इस दफ्तर की तामीर का काम तेज़ी के साथ जारी है। मालूम हुआ है कि अगले माह अगस्त के बाद सितंबर या अक्टूबर में इस इमारत की तामीर का काम तकरीबन मुकम्मल हो जाएगा और शायद अक्टूबर या नवंबर में चौधरी परवेज इलाही या इधर जो MNA होंगे काफली के उनकी तरफ से इसका बाकायदा जो है इफ्तिताह भी किया जाएगा। जलालपुर जट्टा रोड पर आए रोज खूनी हादसात पेश आ रहे थे जिसके पेशे नज़र जलालपुर जट्टा में रेस्क्यू 1122 का दफ्तर बनाने की अशद तरीन ज़रूरत जो है वो पेश आ रही थी और आखिरकार इस मुतालबा को तस्लीम किए जाने के बाद दफ्तर का क्याम जो है किया जा रहा है। जबकि तहसील खारिया में पहले ही रेस्क्यू 1122 का दफ्तर मौजूद है, सराय आलमगीर में मौजूद है और जलालपुर जट्टा को तहसील का दर्जा मिलने से पहले ही जलालपुर जट्टा में रेस्क्यू 1122 का दफ्तर जो है वो कायम किया जा रहा है। आवाज़ न्यूज़ से मैं हूँ आकाश नियाज़ी। आवाज न्यूज़ हर लम्हा बाखबर। हमारे चैनल आवाज न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।